कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे लोहे के बाजार के बारे में कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है होलसेल्स में, लोहे के मार्केट में आज बिलेट में क्या कीमतें चल रही हैं आपको विस्तार से बारे में बताएंगे। तो होलसेल्स का जो मार्केट है यहाँ पर आपको आज के दिन गिरावट देखने को मिल सकती है। 100 से लेकर 200 रुपए तक बाजार में आज नरमी दर्ज करी गई है, बिलेट के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो बिलेट में होलसेल्स का जो मार्केट है यहाँ पर मंडी गोविंदगढ़ में कीमतें आज की 46,500 देखी जा रही हैं। दुर्गापुर में आज का रेट 42,800 है। रायगढ़ में आज का रेट बिलेट का 43,300 है। रायपुर में कीमतें आज की 43,700 चल रही हैं। जयपुर में आज का रेट 45,400 है। कोलकाता में कीमतें आज की 43,600 रुपये देखी जा रही हैं। मुजफ्फरनगर में आज का बिलेट का जो रेट है वो 45,700 रुपये देखा जा रहा है। अंबा कंपनी में आज कीमतें 45,300 हैं। गाज़ियाबाद में रेट आज का 45,800 है और लुधियाना में आज कीमतें 46,500 रुपये देखी जा रही हैं। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो बाज़ारों में आपको यहाँ से निगेटिव ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंगट और स्पेक के बाज़ार के बारे में अगर बात करते हैं तो 46,500 रुपये तक का आपको एमएस इंगट में यहाँ से बाजारों में कामकाज देखने को मिल सकता है, जिसमें 200 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई है और एमएस स्क्रैप में आज की कीमतें 35,400 हैं। ओवरऑल आज ट्रेंड भी निगेटिव ही है, बहुत ज़्यादा बाजारों में तेज़ी दर्ज नहीं करी गई है होलसेल्स के मार्केट में। अब बात करते हैं नए प्राइम लोहे के बाजार के बारे में तो 50 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। प्राइम लोहे में आज कीमतें 30 रुपये पर किलोग्राम चल रही हैं। ओवरऑल आज के दिन ट्रेंड भी निगेटिव है, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो होलसेल्स के बाज़ार को देखते हुए यहाँ से आप ज़रूरत के हिसाब से गिरावट पर अपनी खरीदारी ज़रूर करके चल सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।